फिर उनको क्यों हो रहा मौत कैंसर? लेडीज तो गुटखा नहीं खाते, चलो जेंट्स हैं, जेंट्स खा रहे हैं गुटखा, उनको मौत कैंसर हो रहा, वो बात अलग है। लेडीज को क्यों हो रहा मौत कैंसर? हमारे पास सबसे पहले हम उठते साथी क्या करते हैं, फौरन सुबह में उठते साथी सबसे पहला हम काम करने वाले दांत मांजने वाले, दांत कोलगेट पेप्सोडेंट दांत मांजते ना, उसके अंदर एक केमिकल है मीथाइल लॉरेन सल्फेट, सोडियम लॉरेन सल्फेट बोलते, जो बुरुक बुरुक निकलता ना वो सेम बुरुक सर्फेक्सल में भी है, सेम बुरुक हार्पिक में भी है। हम सुबह उठते साथ ही फौरन दांत मांज रही, दांत जो मांज रही ना वही सबसे बड़ा गलत है। जो कोलगेट पेप्सोडेंट सिकाको डाबर लाल जो भी इस्तेमाल कर रहे वही सबसे बड़ी गलत चीज है। मंजन इस्तेमाल करना सीखो, फारूकी मंजन इस्तेमाल करो। खाली आप क्या करो, मुंह में छाला आ जा रहा ना, सिर्फ सिंपल सी चीज कोलगेट इस्तेमाल बंद करो, नीम का दातुन करो, मिसवाक और फारूकी मंजन इस्तेमाल करो। जेंट्स और लेडीज दोनों, सिर्फ और सिर्फ आप पेप्सोडेंट छोड़ के देखो, आपका जो भी छाला रहता गायब। हम जो सुबह उठते रहते जो ब्रश कर रहे ना उसका प्रॉब्लम है, वो जो केमिकल है ना सोडियम लॉरेन सल्फेट बोल को केमिकल है टूथपेस्ट में जो बुरुक बुरुक निकलता, वो सेम केमिकल सर्फेक्सल में भी है, हार्पिक में भी है, इसलिए बुरुक आता ना उसमें भी है। सबसे पहले टूथपेस्ट छोड़ डालो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दो कैंसर के पेशेंट्स हैं, दो, और एक हार्ट और एक लिवर सिरोसिस के, चारों, और एक अभी दो जने हैं उन्होंने नहीं चाह रहे वीडियो का, कोई बात नहीं, 6 से 7 जने अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो गए सिर्फ छोटे। आपने डॉक्टर साहब की बात को सुना, वो फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस टोटके की वजह से अल्लाह ताला ने जो भूख का कैंसर है बहुत सारे लोगों को उसको शिफा अता फरमाई, और रीज़न उसने क्या बताया, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो कोलगेट हम इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा और जो टूपे हैं जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं दांतों को साफ करने के लिए, दर हकीकत वो जहर होता है, उसमें ऐसी चीज़ें मिली हुई होती हैं कि जिसके ज़रिए से इंसान को कैंसर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि गुटखा खाने से कैंसर हो, ज़रूरी नहीं कि ये जो सुबह सुबह उठ के ब्रश कर रहे होते हैं इससे कैंसर हो जाता है। तो उन्होंने बेहतरीन हल बताया कि आप टूब की बजाय मंजन इस्तेमाल करें, घरों में जो मंजन होता है ना उसको इस्तेमाल किया लिया जाए, फारूक की कोई भी मंजन जो मिलता है वहाँ से इस मंजन को लें और उसको इस्तेमाल करें आप। हमने देखे शुरू में बड़े मंजन का जोर होता था, मतलब मिसवाक को थोड़ा सा मंजन लगाया और लगा लिया करता था, आजकल के दौर पर पता अजीब अजीब किस्म के मुँह में छाले पड़ जाते हैं। और बेहतरीन हल जो उनसे जिसको बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर अगर मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं इसको ज़रूरी करार दे देता, और वो क्या, वो मिसवाक है। तो दोस्तों मिसवाक को भी लाजमी पकड़ें आप। मिसवाक एक ऐसी चीज़ है कि एक नमाज वो जो मिसवाक के साथ पढ़ी जाए यानी कि मिसवाक करके पढ़ी जाए, दूसरी नमाज वो जो मिसवाक के बगैर पढ़ी जाए, इससे बड़ा फ़र्क है, इसका सवाब बढ़ जाता है। आखिरी वक्त के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक्त था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी अज़वाज मुतहरात हैं, ज़ौजा हैं, मिसवाक को नरम करके दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को किया, आखिरी लम्हात में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को नहीं छोड़ रहे हैं। एक जंग फतह नहीं हो रही थी, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि देखो कौन सुनत छूट रही है, कहा मिसवाक की, कहने से मिसवाक काटी, जब मिसवाक करना शुरू की तो जितने लोग थे वहाँ पर जो काफिर आ रहे थे लड़ाई करने के लिए वो सब भाग गए, वो कहने लगे देखो मुसलमान दांतों को करे हमें कच्चा चबा ना जाए हमें, इसलिए मिसवाक का बहुत अहम रोल है, मिसवाक को लाजमी कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।